अंजुम एंड रैप डीमन का कोई भी गाना ले लो आप, उसमें बोहिमिया की बात कहीं ना कहीं पर आई जाती है, यानी कि बोहिमिया के डाई हार्ड फैन है ये लोग। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मानसी एंड स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी फरमाइश या थोड़ा सा गुजारिश है, वो ये कि प्लीज़ वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपके पास आ रही मेरी जितने भी वीडियोस हैं वो सब पहुँच जाएँ। एंड साथ में मुझे इंस्टा पे फॉलो करना भी मत भूलिएगा, मेरी इंस्टा आई डी है mansi.uk95 जो कि मैंने यहाँ पर दी हुई है, एंड इसी तरह से प्यार देते रहिए। तो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो है क्वारंटीन सेशन यानी कि रैप डीमन के वीडियो के ऊपर। तो क्वारंटीन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो लोग भी हिप हॉप लवर हैं, जिसमें कि डिश हुआ था चैन के को यंगस्टर्स की तरफ से। एंड बाय द वे मैंने इसके ऊपर में रिएक्शन भी दिया जो कि मैं अगर पिंक करने वाली, तो अगर आपने नहीं देखा था फटाफट से जाके देख सकते हैं ऊपर क्लिक करके। तो थोड़ा सा वहाँ पर क्या हो रहा था कि थोड़ा सा रैप डीमन की थोड़ा सा कमी दिखा रही थी, बिकॉज जब तीनों साथ में होते हैं तो जो मजा है वो चार गुना ज़्यादा बढ़ जाता है वीडियो देखने का। तो वो कमी पूरी कर ली है रैप डीमन ने, यानी कि उन्होंने क्वारंटीन सेशन के नेम से न्यू वीडियो निकाल लिया है जो कि है प्रॉड बाई रोवेलियो एंड रैप डीमन का ही ये वीडियो है एंड उन्हीं के चैनल पर ये आया है। एंड बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि ये डिश ट्रैक है चैन के ऊपर, तो ये तो मुझे वीडियो देखने के बाद ही पता चला कि डिश ट्रैक है या नहीं है। तो इसके लिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं गाइस रिएक्शन वीडियो, बाकी की बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट करें रिएक्शन वीडियो। Silver punch shake in the house, slumber bot stand up. पहली बात छोटे बाप होता बाप, दूसरी बात के हम बात करें बाद में, ब्रोक बेच तेरे पास नहीं अल्फाज, फायर बार से क्या भरू तेरा कार्ड में, बिक बिक करे दिन का आगाज ब्रो, दिन ढले कटे सड़कों पे शामे, मेरी सलाह तेरे काम से तू काम रख, मेरे वाले कहते संगी जानी तू बस नाम ले, I've been here since 1996, तब से ही I'm allergic to nonsense, haunted 666 वाला content, मुझे देखे लौंडे तेरे लूज करे कॉन्शियंस, ऑन पॉइंट रहे लफ्जों की तोड़ जोड़, माइंड करे फक भेजे करे साले गोलमोल, राइम वाला क्लिप लोड फ्लो कर दूंगा ब्रश खोल, ये मेरी कयास बनी किस्मत का झोल बोल, कंसोल के बिना मैं खेलूं फार क्राई, छुप सकेगा नहीं करे चाहे बाल डाई, आठवां बाल डाई वाली बात इससे पहले भी हुई है क्योंकि चैन के ने अपने बाल डाई करा दिए यानी कि ब्राउनिश कर दिए, तो फिर से यहां अजूबा यानी मैं हूं स्टार चाइल्ड, हफ्ता खत्म, मामा मदरफकर स्टार बॉय, हां बॉय मैं हूं वही वाला बॉय जिसका घोड़ा पकड़ के ये हाइप को रोए, चैन बॉयज किसी पकड़ में नहीं आ रहे, बाकी नजर ही नहीं आ रहे, थोड़े लाइट में होए, I said it, I mean it, सुनमा के दीने मैं भेजे का सटका, they call me the demon, love मेरे घुसे लाइट ठुकती है कीले, होता है दर्द पर आती है फीले, me and my boys like I'm a heathen, सोने से बनी है अपनी allegiance, हरामसी कर दी है सबकी ही नींदे, कुत्तों को बोलो हम चीते, मैनू किसी चीज दी नहीं लोड, मैनू मेरे हालत छोड़ दो, बड़ी गड़िया चलावा बेस खोल के वजावा, मैं वही मिया when I see the popo, no jokes वो तो भेजे जा रही photos, मेरे dope flows पे वो हो रही loco, उसे गाने करे hype जैसे coco, think you know me how the fuck are you so sure, साले गोश खोर लौंडे थोड़ा होश पकड़, मेरी टांगों के बीच वाला बोझ पकड़, तेरी चीज मिलावटी डोज बदल, हाइप के पीछे जाके दोस्त बदल, तेरी चुतुगिरी की हाइप, चाहे तेरे गंद गानों पे खोखा है, शोरा खट शूट डाउन टू योर साइज क्योंकि सुना तेरी जात का। ये वाला जो वर्ड है ये मैं बोलना नहीं चाहूँगी, ये वाला लास्ट ट्रैक में कृष्णा ने बोला था, अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो तो कृष्णा ने अपने वाले वर्स में इसको यूज़ किया था, एंड यहाँ पर अभी ये यूज़ किया है रैप डीमन ने, भाई साहब मतलब भयंकर होने वाला है। Tuanu pata main ha kaun, I'm the baddest brown boy, lockdown mein bhi bana talk or a town boy, chalega jo bhi jali chalega, चलेंगे नहीं भेड़ चाल शेरों वाली तोड़ जानी, देसी लौंडा मुंह फट बोले जरा तोलता नहीं, बोलशा ने बोलता नहीं कुछ उखाड़ भाई का, बोले मेरे भाइयों को कोई लाल माइका गायका, वसा चढ़ा कायका, दिल तेरा नाजोगा जा करूं तेरा बाईपास, तेरे वाले फरमारे मुझे क्यों मुलाहिजा, बड़े जारी हाइप अभी लाइफ पे मैं हाई था, यह 051 वाली टेक मेरे जानिए के इस्लामाबादी वो भी इतना हरामी, यहां भी दिन ढले फायर पड़े बेगुनाह मरे, यही सुना उस पार की कहानी, एक हाथ में कलम है बेटे मतलब बचा एक हाथ खाली, बिना शुबा तुझे चंडे ही पड़ेंगी क्योंकि एक हाथ से बजेगी निताली, मतलब क्या बोल रहा है, गाली बैठा रोल करो वीट, लफ्जों का खेल गड़ी दिया सीट, तुम सब भूल रखे रियल ओजीस, पल्ले नहीं पड़ी तो कर लो रिपीट, आई एम डन, बहुत हो गया बहन शो। जय मतलब जैसे कि बोल दिया रैप डीमन ने कि बहुत हो गया, मतलब कि बहुत हो ही गया भाई, बेचारा चैन के कहाँ कहाँ से उसको डिश हो रहा है, अभी प्रिंस म्यूजिक ने भी किया था, कृष्णा ने भी कर दिया, यंगस्टर्स ने भी कर दिया, अब बचे थे बस रैप डायमंड, अब रैप डायमंड का भी डिस्ट्रैक आ गया उनके लिए। तो बहुत कुछ वो बोले हैं कि तुम कुत्ते हो और हम चीते हैं, हम चीते हैं बिकॉज यहाँ पर
तलहा अंजुम एंड तलहा यूनुस की भी बातों करें कि हम लोग चीते हैं और तू जो है वो कुत्ता है यानी कि डॉग है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर की हैं, कुछ रेफरेंसेस पुराने भी लिए गए हैं, जैसे मैंने बताया कृष्णा वाला रेफरेंस इसमें यूज हुआ है एंड और वो पिछला वाला जो अभी यंगस्टर का जो ट्रैक आया है जलेगा जो भी जाली जलेगा, जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन दिया हुआ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर पिन कर देख लीजिएगा, तो उसको भी ये लोग उस वाली लाइन को भी बीच में लाएंगे कि जलेगा जो भी जाली जलेगा, यानी कि एक तरह से चेतावनी जारी हो चुकी कि अगर मेरे भाई को किसी ने उंगली उठाई तो उसकी उंगली में तोड़ देने वाला हूँ। जैसे उन्होंने बोला भी है कि मेरे भाइयों के ऊपर आवाज़ तो उठा के देखो। तो यहाँ पे एक तरह की आपको ट्रू फ्रेंडशिप देखने को मिल सकती है यंग स्टर्स एंड रैप डीमन के बीच में। हम सभी लोग जानते हैं कि ये लोग एक साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्ट निकाले तो भी सारे एक साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं। गाइस यहाँ पर जो निशाना है वो ये सीधे चैन के ऊपर साधा गया है, यानी कि साफ साफ पता चला कि चैन के ऊपर ये डिस्ट्रैक्ट है। एंड मुझे वो लास्ट वाली लाइन काफ़ी पसंद आई जिसमें वो बोलते हैं ना कि मेरे एक हाथ में तो कलम है और एक हाथ मेरा खाली है और उस एक हाथ से ताली बज नहीं सकती तो एक हाथ से तेरे को मैं चाटा मारूंगा। तो वो वाला जो लाइन था वो बेस्ट लाइन लगी थी मुझे पूरे होल ट्रैक में। रैप डीमन का मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि इनका जो फ्लो है, इनका जो राइमिंग स्कीम है काफ़ी अच्छी है, बल्कि ये बोलूँगी कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आते जा रहे हैं इनके ट्रैक के बीच में। अभी इस वाले ट्रैक में आप देख लीजिए पूरा लिरिक्स से भरा हुआ था, एक बीट चालू थी और उसके ऊपर था रैप और कुछ भी नहीं था इसमें ऐड। एंड उसके साथ में जो उनका जो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके दिखाया गया है जिससे उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म किया है वीडियो, मज़ा आ गया देख के। बिकॉज अगर जिस ट्रैक आप एनर्जी के साथ परफॉर्म नहीं करते हो ना, अगर आप उसमें एक्सप्रेशन या अपना एक स्वैग नहीं दिखाते हो तो उतना मज़ा देखने में नहीं आता ऑडियंस को। तो वो चीज़ रैप डीमन के अंदर है कि ये अपने जो दर्शक हैं, अपने जो ऑडियंस हैं, उनको किस तरह से बात के रखना है अपने रैप वीडियो से अच्छी तरह से जानते हैं। तो मुझे म्यूज़िक बीट हमेशा की तरह रैप डीमन की मस्त थी, बहुत 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 अच्छी थी। जैसे कि वो कहते हैं कि तेनू पता नहीं मैं कौन, तो हमको पता है आप कौन हो रैप डीमन। तो धीरे धीरे इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती आ रही है, पहले भी काफ़ी अच्छी थी लेकिन अभी बीच में 3-4 महीने से कुछ ज़्यादा ही इनके फैंस बढ़ रहे हैं। एंड मैं देख रही हूँ कि इनके ट्रैक्स भी काफ़ी जल्दी आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा डिस्ट्रैक्ट था। एज अ डिस्ट्रैक्ट कोई भी फैमिली के ऊपर बात नहीं गई है, बस बात हुई है फैक्ट्स की बात हुई है एंड जो सच है वो दिखाने की कोशिश की गई कि अगर तुम मेरे दोस्तों के ऊपर उंगली उठाओगे तो मैं भी साथ में खड़ा हूँ तुमको देखने के लिए। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी क्योंकि यूनिटी देखने को आपको मिलेगी साफ साफ यंग स्टर्स एंड रैप डीमन के बीच में। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ट्रैक था। तो गाइस कैसा लगा आपको रैप डीमन का ये ट्रैक जिसका नेम है क्वारंटीन सेशन, तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा जरा मेरे वीडियोज़ को और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में फिर किसी और वीडियो के रिएक्शन के साथ। बाय द वे रैप डीमन के और वीडियोस भी मैंने रिएक्शन दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे आके वीडियोस में जाके देख सकते हैं या फिर आप YouTube पे पहाड़ी गर्ल रिएक्शन ऑन रैप डीमन डालेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में फिर किसी और वीडियो के रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, घर में रहिए एंड सेफ रहिए।